आ चुके हैं घर और बहुत ज्यादा थक गए थे। वहां पर एक छोटा सा कांड हो गया था, वो ये कि हमारे फोन की बैटरी हो गई थी डेड और हम लोग वहां पर सीओ करना भूल गए। घर आकर जो है ना बच्चों को सुलाने के बाद वीडियो करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि गिफ्ट्स तो आपको दिखाने हैं कि इस दफा मुझे सबने क्या क्या प्रेजेंट्स में दिया है। चलो जी, सबसे पहले आपको तो यार बहुत ज्यादा गिफ्ट मिले हैं, मुझे तो सबने एक चीज दी है, ब्लेसिंग्स, दुआएं, सबका सेम गिफ्ट, सबका सेम गिफ्ट था यार, क्योंकि सबको पता है कि आहद अपनी शॉपिंग के लिए देने में सारा कुछ है यार, क्या दे रहे हैं यार अजीज, यार जो चाहिए उसे दुआ से ही मिलेगा, आप लोगों की भी दुआ से मिलेगा सब कुछ जो मुझे चाहिए। वैसे मुझे इतनी कुछ चीजें नहीं चाहिए, बस वही चीज चाहिए बस जो अल्लाह की तरफ से ले जाए। चलो जी ओपन करो, ये कहाँ का गिफ्ट है? हमने आकर ना सुल्तान कहता है चाची मुझे दिखाओ सबने क्या गिफ्ट दिया, वो सो नहीं रहा था तो मुझे गिफ्ट खोलने पड़े। अच्छा सबसे पहले जी मैं दिखाती हूँ, मम्मा ने मुझको दिए हैं बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस, मामा ने दो सूट दिए आप लोग जो है ना खुद ही वीडियो एंड कर लो क्योंकि अब मैं ऊपर नहीं आ सकती। अच्छा जी अब मामा किसके साथ जा रही है? ये तो मुझे भी नहीं पता किसके साथ गई है, मेरे साथ नहीं गई, टू बी ऑनेस्ट वो मेरे साथ नहीं गई है, मामा पापा के साथ। तो ये मामा की चॉइस थी, दोनों डिफरेंट है यार, बहुत जबरदस्त है यार, चेंज हो गया, मैंने शॉपिंग करने किया, मैंने किया जी, वाकई यार चेंज हो गया। अब आता है जी जाहिर सी बात है मामा के पास साहिबा भाभी का गिफ्ट मेरा जी निकाल के देगा, अभी आप ही निकालो, जिस चीज की जरूरत पड़ती है स्वेटर नहीं शॉल है, आप स्वेटर ही ना इतना पहनते हैं तो मैंने आपके लिए ना शॉल ली, पश्मीना शॉल है यार। अच्छा हमारी शादी का मौसम ना गर्म सर्दी है, नॉर्मल सा ही है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्रिटी है भाभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट दिसंबर जनवरी में लूंगी बहुत जल्दी। ओए जनवरी में इनकी एनिवर्सरी भी है तो क्या डेट है एनिवर्सरी की? 20 जनवरी तो एक महीना नहीं हुआ शादी को, अभी तो एक महीना नहीं हुआ शादी को यार, 20 दिसंबर को कर लेना सुल्तान का, सुल्तान भी क्या दी है? सुल्तान ने छोटे सुल्तान ने भी चॉकलेट दी होगी, वो कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा बड़ा हो गया, वो कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि बाकी को तो सारे उसने क्या दिया मेरी चाची को, ये ड्रेस पहन के ये शॉल साथ के ग्लासेस, थैंक यू बच्चा, थैंक यू नाइस यार, उधर मेहर मोटरी हमारा भी गिफ्ट खोल लो यार, सबके खोल लो यार, पहले आप बताएं आपको क्या दिया होगा, मुझे क्या पता क्या दिया होगा, मुझे तो जो जो आपको बहुत पसंद भी आज भी मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन वो चीज मेरी फेवरेट है, पता नहीं उनमें से क्या, मुझे चिंता नहीं हो रहा था यार मैंने वही चीज देनी है इनको, मैंने चलो ठीक है यार वही दे रहा, मैंने सोचा हुआ था कि जब शादी होगी ना तो एनिवर्सरी आएगी तो मैंने भाभी को जरूर देना, मेकअप होगा, कुछ भी नहीं है, खाली हो गया,
मेहरबान ने फ्लावर दिया ये भी सेम कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल है यार, आई लव इट। ये किसकी चॉइस है भाई? ये नहीं चॉइस है, बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा, ये बहुत प्यारा। इसके सबॉय में कह रहे कितना डीसेंट लगेगा शॉल लेके, जोन जोन से मैच हो रहा है, छोटी सी गर्दन पे बोझ कैसे बट लव यू जी, आपको भी लव यू। अच्छा जी, तो अब सबके गिफ्ट हो गए, पूरे सबके गिफ्ट हो गए, आप आराम रह रहे हो। मेरा गिफ्ट अभी भी गिफ्ट बाकी है, खुद ही तो ऐसा गिफ्ट दूंगा जो किसी ने किसी को ना दिया हो। सुबह से खज्जल हो रहा है वहाँ पे, खुद एक एक फूल एक एक गुब्बारा लगाया मैंने वहाँ पे यार, उस बंदे के साथ हवा काम हो गई है। सबका प्यार मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच आप सबका। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कुछ सवाल करना चाहूंगी जो मैं हर वीडियो में हर इवेंट में करती हूँ। चार साल जिंदगी के, चार साल हमारे, उससे पहले हमारा एक साल निकाह रहा और चार साल मंगनी को भी हो गए, टोटल आठ साल, साढ़े तीन साल मंगनी रही, फिर एक साल निकाह। इतने लंबे सफर में मैं सबसे पूछती हूँ कि आप सबको मेरा साथ, यानी कि मेरे बारे में क्या राय है आप सबकी चार साल से। आप छोड़े पहले, मैं अपने बहन भाई से पूछ लूं। तो सबसे पहले सागर भाभी से शुरू करते हैं, क्योंकि वो मेरे से पहले आई थी साल पहले। तो भाभी, मेरे आने के बाद आप में क्या चेंजिंग आई है और आपने इस घर में क्या चेंजिंग देखी है? ऑनेस्ट रिव्यू देना, सामने देख कर देना, कोई अच्छी कोई बुरी चीज, दो चीजें बतानी है जिसको मैं खत्म कर सकूं और अच्छी चीज जिसे मैं आगे लेकर चल सकूं। आपको कोई भी नेगेटिव नहीं है कि किसी भी चीज से बुरा कहा जाए आपको, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ना, जब मैं अकेली रहती थी ना इस जमीन, जैसे मामा के साथ मेरे साथ में कोई होता नहीं था, पार्टनर नहीं होता था जिससे मैं बातें कर सकती थी। आपको याद होगा कि रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे मैं आपको फोन करके कहती थी कि मैं इस टाइम अकेली हूँ और ना सुदान के पापा भी नहीं है, मैं किसी से बातें नहीं कर सकती। मेरा निकाह हुआ तो साइबा पापी का मुझे फोन आता था, क्योंकि मेरी ना सब बहने ना इतने बजे तक सो जाती है, तो मुझे इस टाइम ना उस टाइम एक ऐसा लगा कि एक पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ मैं आधी रात को भी बैठ के ना बात कर सकूं। कोई तो चीज होती है ना, कोई चीज एक ऐसी जो आपको लगे नहीं कराएगी, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। भाई के साथ थोड़ा गुस्से में बात कर जाती है, भाभी का प्यार नहीं, वैसे तो बहुत प्यार है दोनों में, बहुत अच्छी है, लेकिन किसी टाइम पे काम के लिए वो जो केक को देख के जो बात हुई थी नहीं है, तो एक बार कहेगी नहीं ये ठीक है, आप इसी तरह करके देखेंगे। और किचन में, किचन किचन में भी खासकर जिस तरह एक बार जिनसे कुकिंग में अच्छी है तो आगे भी अच्छे हैं, वो कहेंगे मैंने इतने नमक मिर्च डाला, वो कहेंगे नहीं ये सादा है ये कम करें आप, आज में ज्यादा अच्छे हैं। नो डाउट किचन में बहुत लड़ाई होती है हमारी, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। भाई आप देख ले मम्मा क्या कहेंगी, कहते नहीं नहीं अच्छा लगेगा डाल देते डाल। चलो अब आते हैं जी गुलरेज की तरफ। अच्छा गुलरेज को मैं तब से, यानी कि जब हमारी मम्मी थी, यानी कि जब इसकी दाढ़ी का एक बाल भी नहीं था, दाढ़ी का बाल नहीं था, ये मेरा बहुत लाडला और बहुत प्यारा भाई है। इसके साथ मेरी लड़ाई भी बहुत है, इसके साथ मेरा प्यार भी बहुत है, इसको मैं डांट भी देती हूँ और डांट सुन भी लेती हूँ कभी कभी, हमारी भी डॉक्टर बहुत रिश्ता है। लेकिन रियलिटी में दिल से नीयत से जिसने भाई बोल दिया ना वो भाई है, उनका रिश्ता इतना मैटर नहीं करता, मुंह बोला और दिल से जो रिश्ता होता है ना, दिल से मान लिया जाए उसको बोलते हैं। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं यार देवर भाभी देवर, यार नीयतों की बात होती है हर चीज, नीयत और दिमाग इंसान का साफ होना तो सब कुछ, सब रिश्ते पाक होते हैं भाई। तो मैं गुलरेज से पूछना चाहूंगी कोई बहुत अच्छी बात
जो भी रेस तुम्हें तुम आगे भी सजेस्ट करते हो एडवाइस के तौर पर, और कोई ऐसी चीज जो मेरे में चेंज होनी चाहिए? इकरा भाभी को मैं तकरीबन 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ, इनके घर भी जाता था निकाह से पहले, जब एंगेजमेंट हुई थी तो इनके पापा से भी मिलता था, भाई से भी मिलता था, या खाना पीना हमने कुछ लेना हो या देना हो वो भी होता था, कपड़े स्टिच तो मैंने कभी यार इनको ना भाभी सोचा ही नहीं था यार भाभी है। इनको हमेशा दोस्तों की तरह, बहन की तरह, ज्यादा हमारा दोस्ती में रिश्ता है, ठीक है ना, ना के भाभी में या ना के बहन में। तो हमारे जो साल गुजरे हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हैं और एंजॉयमेंट वाले गुजरे हैं, और हर चीज पॉजिटिविटी में गुजरी है, ना के नेगेटिविटी में। और बस चीज जो चेंज करना चाहिए, जो चेंज होनी चाहिए मुझमें, एक बुराई जो टिकटॉक बनाते हुए बड़ा तंग करती है यार, एक मिनट टिकटॉक नहीं बनाती, ठीक है, एक दफा और, एक दफा और, एक दफा और, ये बुराई है, बाकी और कोई बुराई नहीं है यार। और आहत की, आहत बेटी यार कोई बुराई नहीं है यार, कोई भी बुराई नहीं है, हम हमेशा ये साथ, तो बचपन से साथ है ना, 4 साल का साथ थोड़ी है, खुशी में, गमी में, टेंशनों में, परेशानियों में, लेकिन एकजुट रहे हैं, अलग नहीं हुए हमने, माशाल्लाह बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी गुजारी, हमने इंजॉय किया अपनी लाइफ में हर किस्म का, ये नहीं हम कह सकते यार हमारा ये रह गया हमारा वो रह गया, बिल्कुल सही बात है। हमने अपनी जिंदगी में ना मतलब होता है ना कामयाबी खुद हासिल की, खुद हासिल किया, अच्छा पहना है, अच्छा खाया, अच्छी जगह पे गए हैं, सबको लेके गए, सबको इंजॉय करवाया, कभी हमने लालच नहीं दी किसी चीज, हर चीज में ना इत्तफाक रखा है हमने, हमेशा हर चीज में इत्तफाक, और उसी में जो है ना बरकत है और ताकत है। अच्छा जी, अब बाबर भाई होते तो मैं उनसे पूछती थी, हमेशा जल्दी सो जाते हैं, कुछ नहीं होता, तू सब कुछ है, तू मेरी बहन है, तू तुझे जो बोल दिया वही होता है सब कुछ। चलो जी, अच्छा अब किंजा से पूछे, किंजा से तो है इतना नहीं मिली, लेकिन जितना मैं जानती हूँ और जितना ये मुझसे मिली है उसके बारे में, उसको मद्देनजर रखते हुए, अब 1 महीना हो गया उसको मेरे साथ रहते हुए, उससे पहले भी बात पकी हुई है भाभी के लिए, हम लोग उनके घर चले गए, दांत तो चले गए, 4-5 साल से जानते हैं, जब से मेरी सेवा भाभी से ज्यादा इनके साथ फ्रेंडशिप थी, क्योंकि मैं जब घर पे आती थी ना तो मैं सेवा भाभी के लिए नहीं आती थी, क्योंकि वो ना आ जाती होती थी हमारे घर, इकरा भाभी नहीं आती होती थी, तो मैं इनके लिए यहाँ पे आती होती थी कि हम लोग आएंगे, बात वगैरह करेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, तो मैं बहुत मजा आता होता था यहाँ पे आके, मम्मा के साथ भी बैठ के बातें शाते करते रहना, सोचा ही था रिश्ता हो जाएगा। तो मुझे वैसे 1 महीना हो गया मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पर मुझे कोई बुरी आदत नहीं दिखी अभी तो, मन तो है ना, लेकिन फिर भी एक चेंजिंग जो मेरे लिए होनी चाहिए, या बहुत कोई चीज जो एडवाइस के तौर पे आप मुझे कहना चाहती हो? मैं छोटी हूँ, मैं क्या एडवाइस, कभी कभी छोटों की एडवाइस ले लेनी चाहिए, उसमें अभी कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं एडवाइस दूँ आपको, आप फ्रूट खाया करें, एडवाइस दो ना, फ्रूट खाया करें, फ्रूट खाया करें, विटामिन लिया करें, टैबलेट छोड़ के विटामिन, रियल विटामिन, विटामिन खा रही थी मैं साथ साथ इनको खिला रही थी, खा रही थी तो मुझे खाती भी, मुझे जबरदस्ती के दोनों खिलाती, मैं कट कटिंग कटिंग कर करके ना जबरदस्ती खिलाती, और ज्यादा हो देखो मुझे कटिंग करके खाना, काट के ना खाना बोल, हाथ तक नहीं उठते थे मेरे, देखो बस मुंह खोल रहे थे, लेकिन आप ज्यादा रहती हो ना मेरे साथ। अच्छा, हमारा तकरीबन 8 ईयर्स का रिलेशनशिप है, एंगेजमेंट निकाह सारा कुछ डालकर, ठीक है ना। अच्छा, आहत के होते मुझे किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई, आहत से मैं हर सुख दुख अपनी हर सीक्रेट बात में उनके साथ शेयर कर लेती हूँ, और आहत की बुरी आदत क्या है बता दो लाइफ चल रहा है। आहत नेवर से सॉरी, आहत ने कभी सॉरी नहीं बोला कभी भी अपनी अगर अगर हम लोग फाइट कर भी लेते ना, छोटी सी रिलेशन ऐसे ही बनते हैं,
बट आई हैव नेवर से सॉरी. और फिर मुझे इस चीज पे थोड़ा सा ना होता है रिग्रेट कि नहीं क्यों नहीं कहते मुझे सॉरी भाई, मुझे भी सॉरी बोला अगर मैं ही हटूं. ओके यार सॉरी 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 ये सबके सामने सॉरी 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 लॉट्स ऑफ जो जो गलतियां की मैंने, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स. ओके यार कोई भी नहीं आया इसकी मूवी से. अच्छा और आपकी बारी है. मैं अच्छाई बनाऊं कि बुराई. अच्छाई मुझे नहीं पता कभी होगी या बुराई बता. अच्छाई यार कोई सोच के बता दो, बुराइयां तो है, बुराइयां तो बहुत है. अच्छाई समझ नहीं लग रही, अच्छाई कौन सी बताऊं यार, कोई ये याद नहीं आ रही कोई. एक शादी का दिन टूट पड़ी थी, सबसे अच्छी अच्छाई है यार. मैं निकाह हुआ था मेहंदी, और मेहंदी पे ऐसे थी जैसे कोई जानती नहीं है, ऐसे लगे चुप हो गए, टच भी नहीं हो रही थी साथ. बुराई सिर्फ एक ही है इसकी यार, जब भी ये अबू घर जाती है मुझे नहीं अच्छा लगता. मेरी धड़कन हो, मेरी नर्वस हो, तुम हो तो सब कुछ चल रहा है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं. और देखो यार बहुत से लोग कहते हैं बच्चे बच्चे बच्चे, ठीक है एक लाइफ का पार्ट है, वो एक अलग चीज है, ठीक है. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह बहुत दूर होके सुने, ना हो तो इसका क्या मतलब होता है. मियां बीवी का रिश्ता ठीक नहीं होता, बुरी बात है यार, ये नहीं होता. अगर अल्लाह ना करे ना भी हो तो ये रिश्ता मजबूत ही रहता है यार, ये कोई बात नहीं होती है कि ऐसे है तो वैसे है, लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अपना कर्म करेगा यार, और सब पे करेगा. इवन ना दो दिन पहले ना मुझे एक आंटी मिली, अगर उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी मुझे, कहती मैं बेटा आपकी शॉप ना 3 महीने से ढूंढ रही हूँ, 3 महीने से मैं ढूंढ रही हूँ, आज मुझे आप नजर आए. मैं ना वॉशिंग गया होता, मुझे आप नजर आए, मैं ना आपके पीछे 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 चल चल के आपके पास आई. उन्होंने इतना मुझे प्यार किया, थैंक यू सो मच आंटी. अगर वीडियो देखी आप तो वैसे कोई भी लोग नहीं छोड़ती है, तो थैंक यू सो मच. आप सबको सलाम भी दे रही थी, वो मामा नहीं है लेकिन मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया था. बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं, इवन कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी कह रही थी कि बताइए वो हम जाएंगे वो अच्छे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम उनके सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूबर हैं. कहीं कुछ लोग होते होंगे ना यूट्यूबर जो एटीट्यूड दिखाते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन जब उन्होंने मतलब मुझसे मिली आके उन्होंने इतना प्यार देखा. देखिए यार आप फैमिली है, मैंने आपको पहले ही बोला आप फैमिली है, जब तक आप और हमारे में बॉन्डिंग ऐसी है कि प्यार से हर चीज प्यार से हर चीज प्यार से. जब उनसे मैंने बात की उनको इतना अच्छा लगा, इतना उन्होंने मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं आपको क्या बताऊं. तो वो आज वीडियो देख रही होंगी, तो थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच आंटी. इकरा भी हैं, मैं भी हैं, हम दोनों आपको बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं. अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हमेशा सलामत रखें, और हमारे लिए बहुत ज्यादा दुआ करें इसी तरीके से. अच्छा आहद ने भी एक बात की, ब्लॉग ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं होंगी. आहद ने एक बात की कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा, मुझे लगता है शायद अभी नहीं है, एक अलग सिचुएशन है, लेकिन ये है कि आहद और ज्यादा पोजेसिव है मेरे लिए, आहद और ज्यादा केयरिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मुझे इस चीज की फील ना हो, क्योंकि औरत जो होती है ना वो जल्दी फील कर जाती है. आई नो कि वो मुझे हमेशा हंसते हुए देखते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उनके दिल पे भी क्या बीतते हैं, लेकिन वो फील नहीं करवाते हैं. बट मुझे लगता है कि हमारा रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हो गया है इस वजह से भी. लोग अपना रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन गलत बात नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अल्लाह की मर्जी होती है. इतना औरत पे प्रेशर ना डालो, फैमिली पे ना प्रेशर डालो, ये है तो वो है. अल्लाह ने जो सोचा ना जो करना है सबसे बेस्ट वो ही है. इनके बच्चों पर मेरा हक भी है, इनके बच्चों पर, क्योंकि कहते हैं कि जब आप किसी के बच्चे को प्यार देते हो ना अल्लाह ताला आपसे खुद ब खुद खुश हो जाता है. तो मैं किसी लालच से या किसी चीज से हम लोग इन बच्चों के साथ नहीं करते, हम दिल से करते हैं. जब उसने राजी होना है, जब उसने कुन फया कुन कहना, तब ही होना है. सो प्लीज आज के बाद ये टॉपिक कभी भी नहीं छिड़ेगा, जब अल्लाह ने देना होगा तब ही होगा. हमें एक दूसरे के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ. चलिए जी यहाँ पे हमारी एनिवर्सरी की होती है वीडियो खत्म. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आशा सभी को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टा को फॉलो करें, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. लेकिन यहाँ पर ही हमारी वीडियो खत्म नहीं होती, यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट अनाउंस कर दूं कि जो एनिवर्सरी का गिफ्ट है वो है जी अभी पेंडिंग.
क्योंकि कुछ काम रह गया है, उसका फाइनल बस टचिंग होने वाला काम रह गया है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। अभी घर में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मामा पापा और मुझे पता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी बताएंगे, तो थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। दो दिन जो सरप्राइज मैंने दिए वो अच्छे लगे कि नहीं, आज का या उस दिन जो इंस्टा की आपकी स्टोरी बनी थी वो अच्छे लगे, तो ये भी सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया। तो चलें आप भी थोड़ा सा वेट करें, आप भी थोड़ा सा वेट करें और आप सब भी थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्द जो है जी अनाउंस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इसी तरह ढेर सारी दुआएं दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।